रंका प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत के ढेगुरा गांव में चल रहे मां लक्ष्मी समूह के कोषाध्यक्ष एवं इनके सदस्यों के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति देकर चैनल पर न्यूज चलाया था, जिसका संज्ञान लेते छे हुए रंका प्रखंड के खाद निगम 7 के निगरानी समिति के सदस्य ललित राम ने आज लक्ष्मी समूह के जन वितरण प्रणाली दुकान का निगरानी के लोगों से पूछताछ एवं कार्डधारियों से भी बात की। लोगों ने बताया कि कोषाध्यक्ष एवं इनके सहयोगी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, साथ लक्ष्मी समूह पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है, जबकि लक्ष्मी समूह के अध्यक्ष प्रोटोकॉल के तहत अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है। जो भी आरोप महालक्ष्मी समूह पर लगाया गया है वह बेबुनियाद है। इस बात की जानकारी खाद निगम के निगरानी समिति के सदस्य ललित राम ने दी। मेरा नाम शंकर यादव है, ग्राम कुदरम टोला ढेंगुरा। हम लोग का डीलर जन वितरण दुकान जो है कि समूह में है, ढेंगुरा समूह में। यहाँ हम लोग के राशन मिलता है, 1 रुपये किलो के हिसाब से चावल मिलता है, 1 आदमी में 5 किलो। हम लोग 4 आदमी हैं, 20 किलो चावल मिलता है। और माटी के तेल का दाम जो है कि डीलर हम लोग के बताते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, माटी तेल लेके जाते हैं। हमारा नरेंद्र यादव है, गाँव कुधरम टोला ढेंगुरा के रहने वाले हैं। आदमी पर 5 किलो राशन मिलते हैं, 1 रुपया किलो। और माटी के तेल जो भाव डीलर बताते हैं पैसा देकर के हम लोग ले जाते हैं। तो कटौती वगैरह नहीं किया जाता है? नहीं। मेरा नाम अरुण कुमार है। हम लोग का राशन यही मिलता है, राशन कटौती नहीं होता है। आदमी पीछे 5 किलो मिलता है चावल, और जो तेल का तेल आता है वो डीलर बताते हैं, तो उसी हिसाब से लेते हैं हम लोग तेल। किलो मिलता है राशन? राशन 1 रुपया किलो मिलता है। कोई कटौती वगैरह किया जाता है? नहीं, कोई कटौती नहीं होता है। क्या नाम है? अशोक साह। राशन कितना मिलता है? राशन 1 व्यक्ति में 5 किलो। टोटल राशन? टोटल राशन 4 गो के मिलता है 20 किलो। किस दर से मिलता है? 1 रुपया। कटौती वगैरह किया जाता है? नहीं, तेल वगैरह सब सही मूल्य पर मिलता है। क्या नाम पड़ेगा? ढेंगुरा, लाइसेंस नंबर 2012 से उसका चालू है, और कोषाध्यक्ष शांति देवी ने जो आवेदन दी है वह सर्व सर्वा गलत है। मैंने जांच के क्रम में पाया कि उन लोग ने 1 रुपये किलो चावल, सही रेट से तेल, नमक सब सारा कुछ कार्डधारियों को दे रहा है। वहाँ के कार्डधारियों भी यही सब बात बोला कि नहीं, यहाँ पे हम लोग गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।